नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं हुंडई की जो 7 सीटर SUV इस साल आपकी आने वाली है अल्काजर, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो अल्काजर होने वाली है हुंडई की, ये 7 सीटर होने वाली है और ये टक्कर देगी बाज़ार में आपकी टाटा सफारी और MG की एक्टर XUV500, इन कारों को ये टक्कर देने वाली है। और ये जो कार है वो एक क्रेटा का आप 7 सीटर वर्जन मान सकते हैं। जैसे सफारी आपका जो टाटा की हैरियर है उसका 7 सीटर वर्जन है, वैसे ही आपका 7 सीटर वर्जन होने वाली है। लेकिन इसका जो पावर परफॉर्मेंस है वो है आपकी क्रेटा से ज़्यादा होने वाला, क्योंकि ये एक 7 सीटर है। तो इसका जो है पावर और कॉम्पैक्टिविटी और या फिर आपकी इसकी लंबाई या चौड़ाई है, जो भी है हाइट है, वो सब इसकी आप होने वाली है। और सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो आपको इसमें 1.5 लीटर का U2 जो आपका CRDI डीजल इंजन है जो पावर जनरेट करेगा 150 PS की और 250 NM का टॉप, और माइलेज आपका लगभग लगा सकते हैं 18 के आसपास। और जो दूसरा आपका पेट्रोल इंजन आने वाला है वो 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन जो 115 PS की पावर जनरेट करेगा और 141 NM का टॉर्क आपका देने वाला है। और इसमें जो है इंजन ऑप्शन का एक और ऑप्शन आपको मिलने वाला है जो कि 1.4 लीटर का कापा टर्बो आपका GTI पेट्रोल होने वाला है वर्जन, और उसमें आपको पावर जो है 140 PS की और 142 NM का टॉर्क मिलने वाला है, जो कि आपके पिछले पेट्रोल वर्जन से, क्योंकि आप होने वाला है कापा वर्जन है इसका, तो ये आपको गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव में ही मिलने वाली है, ना कि 4x4 में। दोस्तों अगर बात कर ले इसे गियर ऑप्शन की, तो आपको इसमें 6 स्पीड का मैनुअल IMT ऑटोमेटिक और DCT गियर बॉक्स आपको मिलने वाला है। और अब दोस्तों बात करें इसके और फीचर्स की, तो और फीचर में आपको देखिए इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स या फिर वेंटिलेटेड सीट्स का जो बताया जा रहा है वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि आपको समर के टाइम पे काफ़ी हेल्प आपके ड्राइव में, लॉन्ग ड्राइव में करने वाला है। आपका सीटिंग जो अरेंजमेंट होने वाला है वो 3 रो अरेंजमेंट होने वाला है, जिसमें आप 2, 2 और 3 का जो है लास्ट वाली रो आपकी 3 सीटर होने वाली है। और अगर बात करें इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, तो वो भी आपको MID के साथ काफ़ी लार्ज मिलने वाला है, और जो ब्लू एम्बियंट लाइटिंग है वो इसको आपने इनबिल्ट मिलने वाले इस गाड़ी के अंदर। अगर बात कर लें इसकी जो सेफ्टी की, तो सेफ्टी के अंदर आपको हुंडई की तरफ से आपको हाई स्टील स्ट्रेंथ बॉडी मिलने वाली है। और अगर बात कर लें इसके स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम की, तो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मिलने वाला है, जो कि आपके सडन ब्रेकिंग और सडन जो एक्सेलरेशन होता है उसके टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसके जो पार्किंग कैमरेज की बात करें, तो फ्रंट और बैक दोनों मिलने वाले हैं, और दोनों आपको मल्टी एंगल के साथ जो है कैमरे दोनों मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों बात कर ले इसके टायर साइज़ की, तो आपको R जो 16 है वो अलॉय व्हील इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, और अलॉय व्हील का डिज़ाइन है बिल्कुल डायमंड कट होने वाला है। अगर फ्रंट की बात कर ले, तो आपको हुंडई की बैजिंग के साथ फ्रंट ग्रिल जो है वो नए अवतार में देखने को मिलेगी, और जो आपका लाइटिंग सेक्शन है उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको मिलने वाले हैं, टर्न इंडिकेटर्स विद RVM आपको इसमें मिलने वाले हैं, बैक रेन सेंसिंग वाइपर आपको विद डिफॉगिंग सिस्टम के साथ मिलने वाला है, ऊपर आपको शार्कफिन एंटीना भी इस गाड़ी में मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस जो है आपका वो काफ़ी डिटरमाइन करने वाला है कि ये गाड़ी किस तरह से आपको बाजार में गाड़ियों को अदर गाड़ियों को टक्कर देने वाली है। तो इसका प्राइस जो बताया जा रहा है तो लगभग 15 लाख रुपये से स्टार्ट हो गया आपका टॉप मॉडल है, और 21 लाख तक आपका जा सकता है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।